रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, द वॉल्यूम ऑफ द करिस्पॉन्डिंग स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको बोला जा रहा है कि अगर किसी स्फेयर के रेडियस को हम 100% इंक्रीज कर देते तो वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए इस 100% का मतलब क्या है। अगर मान लो यहाँ पे रेडियस हमने स्टार्ट वाला लिया होगा आर, तो आर का 100% करोगे तो ये फिर आर आएगा, मतलब कि जो नेक्स्ट वाला आपको रेडियस मिलेगा वो इसका हो जाएगा डबल। आर का 100% आर होता है, आर पहले था, आर और बढ़ा दिया, मिलके हो गया 2R। ये आपका हो गया इनिशियल वाली कंडीशन और ये है आपका फाइनल वाली कंडीशन। क्लियर है ना? अब दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे और ये वॉल्यूम किसका लिखना है, स्फेयर का, और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो पहले वाले के लिखोगे 4/3 πr³, दूसरे वाले के लिए लिखोगे 4/3 π और r की जगह लिखोगे 2r और इसका कर दोगे क्यूब। अब ये हो गया आपका, यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। और यहाँ पे 2r का जब आप क्यूब कर दोगे तो ये आ जाएगा 4/3 πr³ × 8। मतलब अब आपका ये जो वॉल्यूम नेक्स्ट वाला आ रहा है, बाद वाला, ये 8 times ऑफ द फर्स्ट आ रहा है। क्लियर है? अब अगर ये परसेंटेज लिखोगे तो अगर पहला लिखोगे 100% तो दूसरा वाला हो जाएगा 800%। ठीक है, ये 800% आपका फाइनल वॉल्यूम है। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो लास्ट वाला आपका 800% जो कि बढ़ने के बाद आया, और 100% तो आपका पहले से ही था, तो अगर इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 700%। मतलब 700% ये वॉल्यूम बढ़ गया। अगर आपसे यहाँ पे सवाल करता कि फाइनल वॉल्यूम कितना परसेंट हो जाएगा, तब आपको आंसर लिखना था 800%। आपसे पूछेगा कितना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो आपको आंसर लिखना है 700%। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर होगा 700%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।